और दूसरे गांव से कटनी शुरू हो जाती है। समय आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया गीत। समय शादी में डीजे पर ज्यादा बज रहा था, आइए आपको सुना रही हूं। अरे चौधरी जयपुर ते मंगवाए, देवता दीन यादव जो कि खेवली के निवासी है, आज
आपकी तरफ से क्या रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारा गीत कह रहा है कि मूर्ति मोहन की मन भाई कभी बस एक नजर में। हमारे रशखान को कन्हैया की मूर्ति मन को तो भा गई, लेकिन एक कमी नजर आ रहा है। वो कमी क्या है कि उनके पाँव में जूते नहीं। तो कमी बस एक नजर में आई। अब दूसरी बात देखेगा, सलोनी छवि श्याम की छाई भावना भजते ही रंगला। सलोनी छवि श्याम की छाई और भावना भक्ति की रंग लाई। देख कर छाई श्याम की नहीं है इनके पाँव में जूती, अंतर मन में भाव जूती। जब रखान ने अपनी नजर भगवान कन्हैया पे डाली और नजर जब डाली जूती बनवा कर तो धारणा धारे जो मन में विचार।
बेचारे न जाए बात मेरी टाली बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अरे बड़े भैया जिला सीतापुर थाना खैराबाद गांव अशरतपुर ये बड़े भैया राजेश कुमार यादव जी की तरफ से 51 रुपए है। इच्छा समाई तो कहने लगे
खेड़ा आपकी तरफ से 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे बड़े भैया रामू यादव नया पुरवा 100 रुपए आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे बड़े भैया प्रेम पाल ग्राम नया पुरवा आपकी तरफ से 51 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भैया जो हमारे केएस म्यूजिक वाले आए हैं फिरोजाबाद से चल करके आए हैं, इनके द्वारा हम दोनों पार्टियों का कार्यक्रम यूट्यूब पे आएगा, आप विदेशों में भी दिखा देखा जाएगा कि आज यहाँ प्रभावी हुआ था, जिसको आप सभी लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। आइए अंतिम पंक्ति आपको दे रही हूँ भैया, तो देखा कि भगवान कन्हैया के पैर पे तो जूती पड़ी है, तो पुजारी सोचने लगा जूती पहने खड़े कन्हैया नजर ससुरी ने फेरा है। अब दूसरी बात देखिएगा, भक्त के बस भगवान हो गए सभी के मुख को प्रेम सागर भरेगा मर न जिसमें कोई बसर खाली, नहीं है इनके भाव में झूठी अंतर मन में भाव विभूति नजर जब भरावन जिला हरदोई आपकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को।
और ये बड़े भैया ओम प्रकाश पाल 51 रुपए आपकी तरफ से आए हैं जो नया पुरवा के निवासी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बड़े भैया नीरज यादव आपकी तरफ से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बड़े भैया भगवती पाल आपकी तरफ से 101 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, जहाँ कहीं भी आशीर्वाद कामना करना चाहूंगी। आइए गीत बज रहा है हो, क्योंकि परमाणी हमारे भैया रामचंद्र यादव जी एक चक्कर देवी के रूप रखे हैं, ग्राम टंडाहा कुछ ऐसा लिखा है, 50 मुद्राएं आपकी ओर से आई हुई है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो दोबारा पढ़ते में पुनः लिख देना। और ये परम आदरणीय भैया राम शंकर नया पुरवा आपकी ओर से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैया जी को। राम नरेश भैया नया पुरवा लखनऊ आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद हो भैया जी को। परम आदरणीय अमन यादव धौराड़ा 101 पत्र मुद्राएं आपकी ओर से आई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े भैया पिंटू यादव हरिहरपुर लखनऊ से आप चलकर पधारे हुए हैं, आपके कर कमलों के माध्यम से 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया हुआ है, समस्त दानदाताओं को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद है, हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय चेतना जी आपका गीत आया, ये भैया खाने नहीं है क्या बोलते गीत के लिए? अरे क्या चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रंगी सोने की गड़ो, पहने नहीं थे तो भगवान के लिए रसखान जी सोने की जूती लेकर जा रहे हैं, तमाम बातें दिखाया आपने। अब देखिए आपने बताया कि मूर्ति मोहन की मन भाई Thank you.
नजर है आई सलोनी छवि श्याम की छाई भावना भक्ति की तो देख कर झांकी श्याम की बाकी देख कर झांकी श्याम की बाकी जिनके अधर में हरे नाम नहीं है इनके पाँव अंतर मन है भाव विभूति नजर जब डाली ये डाली जब डाली ये आदरणीय चेतना जी अब जवाब तो तब बनता है जब किसी अधूरी चीज को पूरी की जाए और क्या आपने भगवान कन्हैया की मूर्ति को दिखाया है एक भक्त के भाव समर्पित कर रहे हैं आप उनके चरणों में लेकिन देखिए एक मूर्ति मैं भी ला रहा हूं भगवान कृष्ण की कन्हैया से दूर नहीं जाऊंगा भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए एक राजा पहुंचे उन राजा का नाम था नील माधव कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिका में एक लेख पाया था बस वहीं से ले रहा हूं नील माधव राजा ने एक कारीगर से कहा कि विश्वकर्मा जी कन्हैया लाल की एक मूर्ति बना दो तो जब विश्वकर्मा जी से राजा ने कहा कि एक मूर्ति बना दो उस कारीगर ने कहा राजन मूर्ति तो मैं बना दूंगा लेकिन एक शर्त है शर्त यह है कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक आप इन पट को मत खोलना कन्हैया जी की मूर्ति गढ़ रहा है अंदर कमरे में राजा ने आश्वासन को मंजूर कर लिया कहा जाओ मैं पट नहीं खोलूंगा 10 दिन बीते 12 दिन बीते 15 दिन बीते 1 दिन रहा ना गया पट को राजा ने खोल दिया और जब खोल दिया तो देखो जवाब वहीं से ले रहा हूं मूर्ति मोहन की ले आई हो ममता है लुटवाई स्वर्णिमा मनमोहक है पाई कभी बस एक नजर है आई जैसे ही राजा ने पट को खोला तो संपूर्ण मूर्ति तो बना दिया था लेकिन एक कमी नजर आई और कमी क्या कि वो मूर्ति खंडित थी कमी स्वर्णिमा मनमोहक है पाई कभी बस ये नजर है मूर्ति है खंडित मूर्ति है खंडित मगर वो मंडित मूर्ति है ऐसी वो आती एक है आश्चर्य वहां अनोखा ना कोई है और वो पाया जो निर्माण न पूरा था एक मूर्ति यानी कन्हैया लाल की मूर्ति उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था तो सुनेगा एक मूर्ति है और पाया निर्माण जो न पूरा था
भेद हृदय में ऐसा पाया उनका कार्य हृदय नहीं था तो होता क्या है सुनिए। नहीं था हृदय ये अंग में धोखा हुआ संग में माया प्रभु की है ये के हवाले कर दिया। और जब कर दिया तो सारा शरीर तो कन्हैया लाल की उस मूर्ति का जल गया श्रीमान जी, लेकिन हृदय तक में आंच नहीं है। तो लगा दिया है हृदय अंग में पूर्ण मूर्ति हो गई। जब उनका हृदय अस्तित्व तो बचा तो देखिए उसी हृदय ने एक अपनी उस शक्ति को लगा रहे हैं। सुनेगा, अरे लगा दिया है हृदय अंग में पूर्ण मूर्ति हो, कभी बनी थी जो वो मूर्ति उसकी पूर्ति हो।